पश्चिम बंगाल से आ रही है, जहां आसनसोल में लोकसभा उपचुनाव के लिए वोटिंग जारी है। तो खबर पश्चिम बंगाल से आ रही है, जहां आसनसोल में लोकसभा की दो सीटों पर उपचुनाव हो रहा है और उसके लिए लगातार मतदान की प्रक्रिया चल रही है। तो वहीं वोटिंग के दौरान आसनसोल में हिंसा की खबर सामने आ रही है। बीजेपी उम्मीदवार अग्निमित्रा पॉल का बड़ा आरोप है, टीएमसी के लोगों ने काफिले पर पत्थर फेंक कर हमला किया है। तो आसनसोल में उपचुनाव के दौरान हिंसा की खबर सामने आ रही है। मतदान के दौरान आसनसोल में हिंसा की खबर, टीएमसी के लोगों ने काफिले पर पत्थर फेंक कर हमला किया है। बड़ी खबर इस वक्त की आ रही है, टीएमसी के लोगों ने काफिले पर पत्थर फेंक कर हमला किया है। बीजेपी की उम्मीदवार अग्निमित्रा पॉल का गंभीर आरोप टीएमसी के कार्यकर्ताओं पर। बड़ी खबर पश्चिम बंगाल से आ रही है, जहां लोकसभा उपचुनाव के लिए वोटिंग जारी है। तो लोकसभा की दो सीटों पर उपचुनाव हो रहे हैं और इसको लेकर ये खबर सामने आ रही है। देखिए किस तरह से तस्वीरें सामने आ रही है, मतदान के दौरान झड़प की भी खबर सामने आ रही है और ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। पश्चिम बंगाल में फिलहाल आपको बता दें कि आसनसोल में लोकसभा उपचुनाव के लिए वोटिंग हो रहा है, दो सीटों पर ये मतदान की प्रक्रिया चल रही है और वोटिंग के दौरान आसनसोल में हिंसा की खबर सामने आ रही है। बीजेपी के उम्मीदवार अग्निमित्रा पॉल का बड़ा आरोप, टीएमसी के लोगों ने काफिले पर पत्थर फेंक कर किया हमला। मतदान के दौरान भगदड़ की विस्तृति देखने को मिल रही है, मतदान के दौरान हिंसा की खबर भी सामने आ रही है। आसनसोल में हो रहे उपचुनाव को लेकर हिंसा की खबर सामने आ रही है। बीजेपी के उम्मीदवार अग्निमित्रा पॉल ने गंभीर आरोप लगाया है। आसनसोल में वोटिंग के दौरान हिंसा की खबर सामने आ रही है। वोटिंग के दौरान आसनसोल में बीजेपी के उम्मीदवार के काफिले पर हमले का आरोप लगा है, हमले की खबर सामने आ रही है और खुद बीजेपी के उम्मीदवार अग्निमित्रा पॉल ने भी आरोप लगाया है टीएमसी के कार्यकर्ताओं पर। और इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे सहयोगी अवनाश जुड़े हुए हैं। अविनाश, एक तरफ जहां लोकसभा के उपचुनाव हो रहे हैं और यहां पर हिंसा की कई खबरें सामने आ रही हैं। और देखिए, पश्चिम बंगाल का चुनाव हमेशा से चर्चा का विषय रहा है। यहाँ जब जब चुनाव हुए हैं या उपचुनाव हुए हैं, ऐसी जो तस्वीरें आती हैं वो निकल कर आती रही हैं। इसको लेकर गृहमंत्री ने भी कई बार अपनी बातें रखी हैं, देश के कई नेताओं ने इस पर अपनी बातें रखी। और देखिए, आज जो तस्वीरें निकलकर सामने आई, जिसको बीजेपी की जो उम्मीदवार है लोकसभा की अग्निमित्रा पॉल, उन्होंने साफ तौर पर यह आरोप लगाया है कि टीएमसी के कार्यकर्ताओं ने उनके काफिले पर हमला किया। और जो तस्वीरें हम दिखा रहे हैं, इन तस्वीरों में देखिए कैसे जो लोग हैं वो सुरक्षा बलों से वहां पर भिड़ रहे हैं, सुरक्षा बल उनको हटा रहे हैं।